Good morning, dear student. Today we will start a new topic, simplification, after solving the multiplication of 2 and 3-digit number. Okay, student, आज की इस क्लास में हमने एक नया टॉपिक लिया है सिंप्लीफिकेशन, 2 और 3 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन करने के बाद. ओके, और आइए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं. और उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट हमें कुछ स्टेप हैं, उन्हें याद करना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से. देखिए स्टेप फर्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई. जो भी हमारे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना है. फिर से करिए, क्या करना है सबसे पहले, मल्टीप्लाई करना है. सेकेंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, पुट ऑल द नंबर्स दैट हैव प्लस साइन. पुट यानी लिखना है हमें कौन से नंबर को जिनके पहले क्या है प्लस साइन, बिफोर देम टुगेदर ऑल्सो पुट द नंबर विथ माइनस साइन. ओके, टुगेदर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें मल्टीप्लाई करना है. जिन नंबर्स के पास मल्टीप्लाई है का साइन है उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे. सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, जिन नंबर के पास प्लस साइन है सबसे पहले हम उन्हें लिखेंगे. आफ्टर दैट हमें क्या करना है, जिन नंबर के पास माइनस साइन है उसे प्लस साइन के बाद हमें क्या करना है, माइनस साइन वाले सारे नंबर को लिख देना है. सेकेंड स्टेप हमारा कम्प्लीट हो गया. एंड थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, एड बोथ द ग्रुप्स ऑफ नंबर सेपरेटली. अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, थर्ड नंबर पे जो हमने प्लस साइन के नंबर लिख रखे हैं सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसे हमें क्या करना है, एड कर लेना है. और जो हमने माइनस ग्रुप के नंबर लिख रखे हैं उन्हें भी हमें क्या करना है, एड कर लेना है सेपरेटली. प्लस साइन वाले नंबर को हम एड करेंगे एंड माइनस साइन वाले नंबर को एड करेंगे. अभी स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि माइनस साइन वाले नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे, माइनस का मतलब तो सब्ट्रैक्शन होता है. यस स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन तो होता है. ओके, बट क्या करना है स्टूडेंट हमें, जब देखिए आपको एक न्यू थिंग्स मैं यहाँ पे आज बता रही हूँ, जब हमारे पास 2+ नंबर होते हैं तो उन्हें भी हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं. बट जब हमारे पास 2- साइन के नंबर होते हैं उन्हें भी हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं. ठीक है, जब हमारे पास क्या हो, 2+ साइन के नंबर हो उसे भी हम प्लस करते हैं. बट इन केस ऑफ 2- माइनस साइन के जो भी 2 नंबर होंगे स्टूडेंट उसे भी हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं. 2 times माइनस, माइनस माइनस मीन्स भी क्या होता है, प्लस होता है. ओके, इसके अकॉर्डिंग हमें प्लस ग्रुप के नंबर को ऐड करना है. आफ्टर दैट माइनस साइन के जितने नंबर हैं, अगर 2 नंबर हैं माइनस माइनस साइन के, ओके, उन्हें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे. इन सब चीजों को जब हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट एज एग्जांपल में, ठीक है, तब मैं आपको उन सब चीजों को अच्छे से सिखाऊंगी और आप समझेंगे. ठीक है, एंड फोर्थ स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस ग्रुप फ्रॉम द सम ऑफ प्लस ग्रुप. अब थर्ड स्टेप में हमने जो देखा था स्टूडेंट, जो नंबर को हमें ऐड करना था उन दोनों नंबर को, देखिए जिन नंबर्स के पास माइनस साइन है और जिन नंबर के पास प्लस साइन है सबसे पहले हमने क्या किया, उन्हें ऐड कर लिया. ऐड करने के बाद 2 नंबर हमें मिलते हैं, ठीक है, माइनस साइन वाले जो प्लस करने पे और प्लस साइन वाले जो प्लस करने पे. उन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे. ओके, फोर्थ स्टेप में हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, नंबर विथ नो साइन इज प्लस साइन. जिस नंबर के पास कोई भी साइन नहीं होगा, ठीक है, उसके पास कौन सा साइन होगा, प्लस साइन होगा. ठीक है स्टूडेंट, इन सब चीजों को देखने के बाद अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे रूल्स सीखे हैं सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए ये कैसे अप्लाई होते हैं. ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट दिस इज एग्जाम्पल 1, इसे हम अभी स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द अवर रूल. ओके, तो सबसे पहले क्या रूल था, फर्स्ट रूल में हमने देखा था मल्टीप्लाई. ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन से नंबर में हमें मल्टीप्लाई करना है. सो स्टार्ट करते हैं, ये देखिए माइनस साइन प्लस साइन ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन, यानी कि 7 और 4 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 4 क्या होता है स्टूडेंट, 28 को हमने लिख लिया.
अब ये दोनों नंबर को जब हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया, अब ये क्या हो गया नंबर, यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लेफ्ट नंबर को अब एज इट लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप हमें मल्टीप्लाई करना था, 7 4 28 हमने मल्टीप्लाई किया, और जो लीस्ट नंबर जो यहाँ पे बच गए हैं लेफ्ट नंबर, उन्हें हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लिख लेना है 35 - 80 प्लस, ये दोनों नंबर को हटा के -30 + 70 लिख लिए। अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग पुट ऑल द नंबर्स दैट हैव प्लस साइन, ओके, जिन नंबर्स के पहले प्लस साइन है उन नंबर को लिखना है, और लास्ट में मैंने दिखाया था आपको, बताया था जिन नंबर्स के पास कोई साइन नहीं होता है उन नंबर्स के पास क्या होता है स्टूडेंट, प्लस साइन होता है। तो देखिये यहाँ पे 35 के पास कोई साइन नहीं है, तो यहाँ प्लस साइन है, इट मीन्स 35 को सबसे पहले हम लिख लेंगे। After that 28 से पहले क्या है, प्लस साइन, यानी 28 का नंबर क्या है, प्लस साइन, यहाँ पे देखिए 28, एंड 70 से पहले प्लस साइन है। अब स्टूडेंट हम उन नंबर्स को लिखेंगे जिनके पास माइनस साइन है, तो देखिए -80 और -30 लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है, 35, 28 और 70 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें कौन सा नंबर मिलेगा, हमें नंबर मिलेगा स्टूडेंट 133। आप ऐड करके इसे एज ए रफ में देख सकते हैं, 35, 28 और 70 को ऐड करेंगे तो 133 नंबर मिलता है, ओके। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया है ना, जिन दो नंबर्स के पास माइनस साइन होता है वो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाता है, तब 80 और 30 को भी हमें ऐड करना है, इट मींस 80 और 30 को ऐड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 110, ओके 110 हो गया। बट स्टूडेंट अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे यहाँ पे साइन कौन सा होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देखते हैं इन नंबर्स के पहले क्या है, सबसे इन सब नंबर्स में से बिगर नंबर कौन सा है, बिगर नंबर 70 है, 70 के पास प्लस साइन है, तो इससे इस नंबर के पहले प्लस साइन लगेगा, ओके। और यहाँ पे स्टूडेंट 80 और 30 से में से कौन सा नंबर बिगर है, 80 बिगर है, ओके, तो इन बिगर जो नंबर होता है उसी का साइन हम लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 80 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, ठीक है। और इस प्लस साइन को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, जो स्टार्ट में प्लस साइन को हम खुद से समझ लेते हैं कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है। अब 133 में से हमें क्या करना है, 110 को माइनस करना है, तो बताइए माइनस करने पे हमें कौन सा नंबर मिलेगा, 23। ये हमारा क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन का आंसर 23। सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई 7 4 28 और सारे नंबर को वैसे ही हमने उतार लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जिन नंबर्स के पहले प्लस साइन है उन नंबर्स को लिखते हैं, तो 35 को लिख लिया हमने, 28 को, एंड 70 से पहले प्लस साइन है उन नंबर को लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, जिन नंबर्स के पहले बिफोर नंबर में देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, 80 से पहले माइनस साइन है उन्हें हम लिखेंगे, और किस नंबर को, 30 से पहले माइनस साइन है उसे हम लिखेंगे, इन सारे प्लस साइन वाले नंबर को ऐड कर देंगे। और स्टूडेंट जब दो नंबर के पास माइनस साइन होता है तो वो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 80 और 30 को भी ऐड करके लिख लेंगे। यहाँ पे साइन है माइनस, हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि ग्रेटर जो नंबर होता है उस नंबर का साइन हम यूज करते हैं, 30 और 80 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, 80, 80 के पास माइनस साइन है, इसलिए हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया। अब 133 में से 110 को हम माइनस करेंगे तो क्या आगा हमारा आंसर, 23। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करेंगे, 4.5 एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसमें स्टूडेंट आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन 1 और 2 के सारे क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करेंगे, 1 और 2 के सारे क्वेश्चन, लेफ्ट क्वेश्चंस 3, 4, 5 के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।